अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ शाहिद इकबाल रिहान, एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। व्यूवर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कुछ एक माइक्रोसॉफ्ट की एक डिवाइस के मुतल्लिक है। माइक्रोसॉफ्ट ने एक पीसी लॉन्च किया जिसे नाम दिया गया इट्स फर्स्ट डेस्कटॉप पीसी। तो इसे जो डेस्कटॉप पीसी लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट ने, इससे पहले सॉफ्टवेयर के हवाले से अगर बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट उसमें काफ़ी अपना नाम रखती है, लेकिन अभी माइक्रोसॉफ्ट ने ये प्लान किया है कि वो हार्डवेयर में भी मार्केट में आएगी और वो दूसरी कंपनीज का मुकाबला करेगी। तो व्यूवर्स, ये जो डिवाइस लॉन्च की गई है इसे आप कह सकते हैं कि ये एक टेबल टाइप डिवाइस है। इसे आपके सामने ये तस्वीर में मैं आपको फुली शो कर देता हूँ कि आप इसे देख सकते हैं कि ये इसका जो कीबोर्ड वगैरह नहीं है, इसका माउस वगैरह का जो टच पैड वगैरह नहीं है, टोटली ये टच है। और इसे आप पेन की मदद से, जो स्पेशली पेन है उनकी मदद से यूज़ कर सकते हैं, और इसके ऊपर आप हाथों की मदद से यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसका वो जो कीबोर्ड वगैरह टाइप चीज़ आपके सामने आए तो वो भी आप टच करके यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त है। 3D ऑब्जेक्ट इसमें काफ़ी रखे गए हैं, और अगर इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूज़ किया गया है विंडोज़ 10। विंडोज़ 10 का जो लेटेस्ट वर्जन इसमें यूज़ किया गया है, और उसमें आप चीज़ों को 3D व्यू में भी देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो $3,000 इसकी प्राइस है तकरीबन, जो इस वक्त लॉन्चिंग के वक्त इसकी सिलेक्ट की गई है। पाकिस्तानी 3 लाख रुपए बनते हैं। और इसमें काफ़ी जो चीज़ें न्यू रखी गई हैं, काफ़ी चीज़ें इस तरह के हवाले से रखी गई हैं कि यूज़र फ्रेंडली हो, क्योंकि आज से पहले अगर हम बात करें एप्पल वगैरह की तो वो उनके ऑपरेटिंग सिस्टम इस टाइप के हैं कि उनको यूज़ करना काफ़ी मुश्किल है। और अगर हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की तो उनके ऑपरेटिंग सिस्टम या दूसरे सॉफ्टवेयर की जो फ्रंट व्यू है इतने यूज़र फ्रेंडली है कि उनको कम पढ़ा लिखा शख्स भी इजीली ऑपरेट कर सकता है। तो न्यूयॉर्क में इसकी फर्स्ट लॉन्चिंग हुई और वहाँ पर लोगों के सामने ये डिवाइस पेश की गई। मेरे वीडियो बनाने का मकसद जो था वो था कि आपको इन्फॉर्म कर दिया जाए, कि आपको एक न्यूज़ दे दी जाए कि इस तरह की भी कोई डिवाइस है जो मार्केट में आ चुकी है, और आप मुस्तकबिल में उसके बारे में प्लानिंग कर सकते हैं और आप उनकी स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं इन तरह की डिवाइसेस में। और इस तरह की व्यूअर्स, मैं इस तरह की मज़ीद जो न्यूज़ या इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता रहूँगा, और आपको उनके लिए अगर आप वो देखना चाहते हैं, आप उनके मेरे साथ इन टच रहना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और व्यूज़, अगर आपको कोई चीज़ के बारे में आप जानना चाह रहे हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रही, आप समझ सकते हैं कि मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ, तो व्यूअर्स आप मुझे मैसेज कर सकते हैं फेसबुक पर भी, और आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, वाचिंग के लिए थैंक्स, और अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।